तिहार जिले के बुधनी में 13 नवंबर को विधानसभा के उपचुनाव संपन्न होना है। भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं की टीम भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव के पक्ष में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसके तहत ही आज बुधनी विधानसभा क्षेत्र भेरुंदा के ग्राम लाड़कुई में बूथ स्तरीय और 3 शक्ति केंद्र की बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित बैठक में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, युवा नेता कार्तिकेय सिंह चौहान, बड़ी संख्या में भाजपा नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे। युवा नेता कार्तिकेय सिंह ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी लोग जी जान से जुट जाएं और भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव के पक्ष में मतदान करवाने की अपील करें। सीहोर से चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट। अगर हमारी फसल खराब हो जाया करती थी तो कांग्रेस का नियम था, मैं कलेक्टर को लेकर देखने के लड़ने वाले थे, शिवराज भाई साहब ने बहुत आए हैं बुधनी, तो देखने का अधिकार है, पैसे देने का अधिकार नहीं। पहले ऐसे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जिन्होंने राहत राशि और बीमा राशि देना शुरू किया। किसने दिया था पहले? क्या मेरे भाषण नहीं है, मैं आपको वो आस्तिक बता रहा हूं। रिकॉर्ड तोड़ मध्य प्रदेश में अभी कोई नेता ऐसा नहीं जो 18 वर्ष मुख्यमंत्री रहे। लाडली बहना, किसानों को राहत राशि देना, गेहूं का कम भाव हो तो अंतर भाव अंतर देना, ये आज तक मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने किया है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने शक्ति केंद्रों की बैठकें आज संपन्न करने जा रही है। पूरी विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं को एकत्रित किया जा रहा है। आज इसके समापन के बाद कल से नुक्कड़ सभाएं वरिष्ठ नेताओं की, कार्यकर्ताओं की कराई जाएंगी अगले अलग अलग जगहों पे। जो रिस्पॉन्स पब्लिक से देखने को मिल रहा है उससे एक बात स्पष्ट हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी बुधनी में परंपरागत पार्टी बन चुकी है। यहाँ की जनता इस विचारधारा में घुल मिल चुकी है, इस विचारधारा को यहाँ की जनता ने अपनाया हुआ है। और प्रारंभिक रूप से तो क्या, मैं आज आपको निश्चित होकर बता सकता हूँ कि 13 तारीख को पुनः भारतीय जनता पार्टी की सुनामी बुधनी की विधानसभा में आने वाली है। जब 23 तारीख को मतपत्र खुलेंगे तो प्रचंड बहुमत से आदरणीय दादा रमाकांत भार्गव जी यहाँ से विजयी होंगे। जनता पूरे वोट जाएगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीतेगी। जहाँ शिवराज जी का क्षेत्र वहाँ संभाले नहीं, उन्होंने अपने खून पसीने से क्षेत्र को बनाया है और यहाँ बहुत ही विकास किया है, इसलिए नाम उनका है, काम भी उनका है। तो मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब ने बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप देखो कितनी बुधनी से लगा के पूरा रोड़े चारों तरफ, कोई दिक्कत नहीं, धान